शरारती जेड़े अंसर हुंदे ने ओह पिछे रह के काम करदे ने। बंदा हिंदुआं नूं वेख के अपनी सिक्योरिटी बनानी चाहुंदा सी। समुचे पंजाबीआं ने समुची हिंदुआं ने सिंगले दा बाइकाट कीता जो ये कॉल थी हरीश सिंगला की तरफ से खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च, उन्होंने आज सुबह का लिए प्लान करा था 29 तारीख को, तो उसको अपोज करने के लिए कुछ एक जत्थेबंदियां यहाँ पे इकट्ठी हुई थी। जब वो अपोज करने गई हैं तो काली माता मंदिर के सामने इनकी आपस में थोड़ी सी झड़प हुई है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स थी वो यूज़ करी है, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना डेवलप हो जिसमें किसी का कोई नुकसान हो, किसी का जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। उसके लिए पुलिस ने उसको कंट्रोल कराया और अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी चार बंदे हैं जो इंजर्ड हैं, दो पुलिस मुलाजम हैं, एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं और एक हेड कांस्टेबल है जो इंजर्ड है। इसके अलावा एक हिंदू जत्थेबंदियों की तरफ से इंजर्ड है और एक सिख जत्थेबंदियों की तरफ से इंजर्ड है। तो इन सबके बयान नोट किए जा रहे हैं, बयानों पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, जिसका कसूर बनता है उस पर कार्रवाई करी जाएगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर, इन दौरान फायरिंग भी हुई है, पुलिस द्वारा भी की गई, वो क्या थी? जैसे मैंने बताया कि काली माता मंदिर के बाहर इनकी आपस में झड़प हुई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एज पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स जो हमारी तरफ से यूज ऑफ फोर्स बनती थी वो हमने करी। सर, ये कहा जा रहा है, कि मेमोरेंडम पहले भी दिया था, पहले भी कहा था पुलिस को एक्शन लेने के लिए, व्हाई द एक्शन हैज नॉट बीन टेकन बाय द पुलिस? पुलिस की तरफ से सूटेबल एक्शन बिल्कुल लिया गया था, इनको ये भी बताया गया था कि मार्च बिल्कुल नहीं निकलेगा, मार्च नहीं निकाला जाएगा। उधर अगर आप पता करें तो उधर बंदे भी इकट्ठे नहीं हुए थे, कोई मार्च भी हमने नहीं निकलने दिया। सो जो हमने इनसे कमिटमेंट करी थी वो बिल्कुल पूरी हुई है। अगर हम कहें कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट थी, बिल्कुल भी मार्च नहीं निकलने दिया गया। कुछ अफवाहें थी जो इनके पास आई हैं, उन अफवाहों के बेसिस पे ये माहौल खराब। तो प्रोसेशन की परमिशन नहीं दी गई थी? प्रोसेशन की परमिशन उन्होंने कल अप्लाई करी थी हरीश सिंगला ने, बट वो कल रिफ्यूज कर दी गई थी और उनको बता दिया गया था कि आपका जो ये रूट मार्च है खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च, ये नहीं निकलेगा। देखिए, ये तो जब बयान होंगे तब भी बता पाएंगे, क्योंकि बयान जो इंजर्ड है वो लिखाएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। हैं जी, नहीं अभी हम बयान लिख रहे हैं, क्योंकि जो इंजर्ड थे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के बाद अभी बयान लिख रहे हैं। सो कार्रवाई जल्दी करी सर, जो मार्च निकाला गया क्या उसमें चार लोग इंजर्ड, उन्होंने भी फायर किया था जो उनकी तरफ से भी किसी की तरफ से कोई फायर? देखिए, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी कहना मुश्किल है कि किधर से फायर हुआ है किधर से फायर नहीं हुआ। अभी जो इंजर्ड हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वही मैं आपको बता सकता हूँ, उसके बाद जो बयान लिखे जाएंगे, जो बयान वो लिखवाएंगे उस पर जो कार्रवाई होगी फिर ही बता पाऊंगा। सर, पहला थानू दस्या जी, थानू दस्या भी पहला जेड़ा है जेड़े मिस्टर सिंगला ने, उन्होंने कहा सी कि मैं उन्होंने परमिशन नहीं दिती गई कि तुसी जेड़ा है इत्थे ये काम करोगे। आई माइसेल्फ हैड अ डायरेक्ट वर्ड विद द एसएसबी, उन्होंने कहा कि सिंगला विल नॉट बी अलाउड टू वॉक आउट। दूसरे पासे जिहड़ियां सिख जथेबंदियां सी, उन्होंने जदों वो मिल के आए ने एसएसबी साहब नूं, उन्होंने क्लीयर कट कहता कह दिता गया सी, असीं सिंगला नूं अलाउ नहीं करांगे बाहर आने लई, तुसीं अपने जथेबंदी नूं संभाल के रखो, किसी ने कोई पटियाले दे विच दो तीन नहीं करना। हुण जिहड़ी गल आ, दोनों ने वायलेट किया, वह पैक्ट वायलेट किया, अपनी कमिटमेंट वायलेट करके दोनों पार्टियां ने अग्रेसन दे विच आके ये माहौल खराब करने की कोशिश की है। और अज परमात्मा का शुक्र है कि ज्यादा यह गल वधी नहीं है, शहर बहुत लोग नफीस समझदार लोग ने साडे हिंदू सिख भाईचारे दे, पूरा शहर एक पासे इस गल का जिहड़ा है मैं नहीं समझदा कोई इस गल नूं जिहड़ा है वह मनदा है कि हाँ इदां होना चाहिदा सी। हर राइट थिंकिंग परसन यही कहिंदा है कि अज जो होया बड़ा मंदभागा होया, ये नहीं होना चाहिदा। एंड वी एज ए गवर्नमेंट असी वी विल इंश्योर कि अगो की कदे यही गल ना हो। पुलिस ने सिचुएशन अंडर एस्टिमेट किया मैं तुम कह रहा जी, फिलहाल तो जिहड़ा है सब तो पहली गल सी मौके नूं संभालना, कंट्रोल करना, वह हो गया। हजे कल का कर्फ्यू लगाया रात का, सिस्टम होर थोड़ा जा मुस्तैदी नाल काम करेगा, थोड़ा डिफ्यूज करेगा सिचुएशन,
उस तो बाद कल सवेरे इनक्वायरी होएगी जी। इनक्वायरी तो बाद जिथे जिथे लैब्स होणगे ते जिहड़े जिहड़े जिवें डॉक्टर साहब ने कहा ना जी, कई तो बॉडीज जिहड़ी अगे आउंदियां ने उन्हां पिछे एक दिमाग हुंदा, एक सोच हुंदी है। शरारती जिहड़े अंसर हुंदे ने उह पिछे रह के काम करदे ने। इस वारी उहदी कोख करांगे पूरा, वी विल डिग इन टू द मैटर और उन्हां दा सारयां नूं नशर करांगे जिहड़े जिहड़े बंदयां ने शरारत करवाई है। जिहड़े बंदे ने गोलियां चलाईआं 307 दे पत्ते वी दर्ज होणगे और जिंदर हस्पताल तक लै के जी। सर मामले तो अजे दर्ज होने ने, हजे तो प्रिलिमिनरी फेज दे उत्ते होया ना काम। इनक्वायरी हो लैण दिओ, इनक्वायरी तो बाद थोड़े सामने और इनक्वायरी वो नहीं कि जेड़ी सिट बैठ गई इनक्वायरी होई लंबा चलूगा। बहुत जल्द जिहड़ा है असीं रिजल्ट देंगे। किन्ने दिनां तक हो जाएगा सर? हजे पहला सानूं अज तां माहौल नूं देखो, प्रशासन नाल अजे मिले भी नहीं असीं, हजे तां फोन ते ही गल चल रही है, अप्रेजल सारे फोन ते हो रहे ने। माहौल सैटल हो लैण दिओ, कल परसों के बीच ही जिहड़ा है असीं जिहड़ा है एक्शन लवांगे। ठीक है करके सर, सर असीं जिहड़ा है उन्हां नाल संपर्क करांगे, उन्हां नाल गल करांगे। यस दे हैव अ रीजन टू बी अग्रीव्ड, जो होया अज बड़ा मंदभागा होया, नहीं होना चाहीदा सी। असीं उन्हां नाल गल कर, मैं तुहानूं की कहा जी, हिंदू सिख का मतलब तो है ही नहीं सी, इह हिंदू सिख का सवाल नहीं सी। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਸੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਘਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕਰਤੀ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੋਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।